हेलो एवरीवन, आज है 20 जून 2021 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो सारे के सारे हम अपने इस सेशन में करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको करंट अफेयर्स के सेक्शन में बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। राष्ट्रीय पठन दिवस, ये देखिए यहाँ पर पठान हो गया है, राष्ट्रीय पठन दिवस यानी कि नेशनल रीडिंग डे किस दिन मनाया जाता है? नेशनल रीडिंग डे मनाया जाता है 19 जून को। नेशनल रीडिंग डे 19 जून को मनाया जाता है, तो इस बार कब मनाया गया? 19 जून 2021 को नेशनल रीडिंग डे मनाया गया। और इसी दिन को नेशनल रीडिंग 19 जून को ही एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। तो इतना बड़ा नाम आपको याद कैसे रहेगा, है ना? तो आपको केवल एक या दो बार इसको देख लेना है, इसको बोल जाना है। जैसे देखिए इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, या फिर आप ये बोल सकते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस। ठीक है, इतना कुछ आप बोलेंगे तो आपको जरूर याद रहेगा। 19 जून को यह मनाया जाता है और जो इसकी शुरुआत की गई थी 19 जून 2015 से, ठीक है, 19 जून 2015 से इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई थी और ये इसका सातवां संस्करण है, यानी कि इस बार जो मनाया गया सेवेंथ ईयर है इसका, मनाया गया 19 जून 2021 को। नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाएगा? 19 जून को। तो अभी जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं हमारे जून के, वो एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि इंपॉर्टेंट डेज अगर एग्जामिनेशन में आता है तो वो हमसे ना छूटे, और आता ही आता है, एक मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा यहां से। चलिए, 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे, तो वही 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे और तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 2 जून को ये दोनों डे मनाया जाता है। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे यानी कि विश्व बाइसाइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस। अच्छा, उसी दिन 4 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन यानी कि हिंसा के शिकार मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, हिंसा के शिकार मासूम बच्चों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। वहीं पर 5 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है ये, एग्जाम में आएगा ही आएगा, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा। और इसका थीम क्या था? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इस बार 2021 की थीम क्या रही है? इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। 7 जून को कौन सा डे मनाया गया? तो इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे, और उसी दिन फूड सेफ्टी डे भी मनाया जाता है। 8 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है, विश्व महासागरीय दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे। तो वही 9 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखना है। 10 जून को वर्ल्ड ग्राउंड वाटर अवेयरनेस डे। तो वही 12 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड चाइल्ड लेबर अगेंस्ट डे यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ये हो गया 12 जून तक का, हम लोग अब देखते हैं आगे, ठीक है। 13 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? 13 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, ठीक है, जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, रंगहीनता जागरूकता दिवस। 13 जून को रंगहीनता जागरूकता दिवस। 14 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। 15 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का जागरूकता दिवस, ठीक है, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का जागरूकता दिवस।
तो 16 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? 16 जून को अगर आपको याद रखना है तो 16 जून को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। 17 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस, मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम। हम लोग हमने अपने वीडियोज में इन सारे डेज के बारे में भी बात किया है और इस तरह से रिविजन भी हम लोग करते हैं। मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस, ठीक है। उसके बाद 18 जून को मनाया जाता है गोवा क्रांति दिवस, 18 जून को गोवा क्रांति दिवस। अच्छा, इसी दिन मनाया जाता है ग्लोबल विंड डे, ग्लोबल विंड डे इसी दिन मनाया जाता है। ग्लोबल विंड डे 18 जून को ही मनाया जाता है, ग्लोबल विंड डे। तो आपको इसे भी याद रखना है, ग्लोबल विंड डे। तो ये हो गया हमारा। और 19 जून को हमने बात किया नेशनल रीडिंग डे, और एक डे कौन था? इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये इंपॉर्टेंट डेज है, आपको इसे याद रखना है, जिससे डेज से रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछते हैं, जो कि पूछा ही जाता है, तो उससे आपको छूटे नहीं। केविन ओब्रायन, ठीक है, जिन्होंने अभी अभी अपने संन्यास की घोषणा की है, तो केविन ओब्रायन जो है ये आयरलैंड के क्रिकेटर है, आयरलैंड से क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर हैं, और इन्होंने अभी ODI से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो केविन ओब्रायन क्रिकेट से संबंधित है, और किस देश के हैं? आयरलैंड से संबंधित है। ये कौन से? आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, और केविन ओब्रायन ने अभी ODI यानी कि वनडे इंटरनेशनल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन है कि स्नो फ्लैग ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड से किस कंपनी को सम्मानित किया गया? स्नो फ्लैग ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक को दिया गया, लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक को दिया गया। ये जो स्नो फ्लेक है दोस्तों, ये एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है, ये एक अमेरिकी कंपनी है जिसका कि सीईओ अभी है फ्रैंक स्लूटमैन, इसके अभी सीईओ है स्नो फ्लेक के, और ये एक क्लाउड कंपनी बेस्ड कंपनी है, क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड कंपनी है, क्लाउड कंप्यूटिंग। आप लोग अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसे जानने का कोशिश कीजिएगा, नहीं आपको अगर जानना है तो हम इसके लिए एक वीडियो बना देंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड कंपनी है, स्नोफ्लेक कंपनी है जिसके सीईओ हैं फ्रैंक स्लूटमैन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनाइटेड स्टेट बोजमैन मोन्टाना यूनाइटेड स्टेट में। इसका स्थापना कब हुआ था? 23 जुलाई 2012 को। और ये क्या करता है कि ये जो एक अच्छे पार्टनर को पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करता है, तो लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक जो कि इंडिया का है, इसको अभी इस बार स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। और इस बार जो स्नोफ्लेक वर्चुअल समिट, चूंकि हम लोग जानते हैं कि अभी जो भी इवेंट्स हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड, वो क्या हो रहे हैं? वर्चुअली हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कोविड महामारी के कारण लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं। तो स्नोफ्लेक पार्टनर वर्चुअल पार्टनर समिट, स्नोफ्लेक वर्चुअल पार्टनर समिट के दौरान, ठीक है, समिट के दौरान LTI यानी कि लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक को स्नोफ्लेक ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर का 2021 का अवार्ड दिया गया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लैंड फॉर द लाइफ अवार्ड, देखिए लैंड फॉर द लाइफ अवार्ड से किस संस्थान को सम्मानित किया गया? लैंड फॉर द लाइफ अवार्ड, तो ये जो यूनाइटेड आपको ये जो लैंड फॉर द लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है फैमिलियन फॉरेस्ट्री, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये एक राजस्थान की एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, राजस्थान का ये एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लैंड फॉर द लाइफ अवार्ड UNCCD के द्वारा दिया गया, UNCCD के द्वारा दिया गया। क्या है ये? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन टू कॉम्बैट टू डिजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थल के रोकथाम के लिए जो संस्था है UNCCD, उसके द्वारा लैंड फॉर द लाइफ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया फैमिलियर फॉरेस्ट्री, जो कि राजस्थान में एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक पर्यावरणीय संस्था है, उसे इस बार दिया गया लैंड फॉर द लाइफ अवार्ड। आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये जो फैमिलियर फॉरेस्ट्री के
ये फैमिलियर फॉरेस्ट्री के, यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे होंगे इनका नाम है श्याम सुंदर ज्ञानी, श्याम सुंदर ज्ञानी। और ये क्या कर रहे हैं, एक फैमिलियर फॉरेस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फैमिलियर फॉरेस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है कि एक परिवार को एक परिवार को एक पेड़ लगाना है, ठीक है, एक परिवार को एक पेड़ लगाना है और उस पेड़ को अपने परिवार का सदस्य मानना है, ठीक है, एक परिवार को एक पेड़ लगाना है, एक पेड़ लगाना है और उस पेड़ को अपने परिवार का सदस्य मानना है। एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर फैमिलियर फॉरेस्ट्री 15 सालों से श्याम सुंदर ज्ञानी के द्वारा 15 सालों से काम किया जा रहा है और इस कारण से लैंड फॉर द लाइफ अवार्ड जो कि हर 2 साल में दिया जाता है यूएलसीसीडी के द्वारा इस बार मिला है फैमिलियर फॉरेस्ट्री को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो पर्यावरण संस्थान का जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो श्याम सुंदर ज्ञानी के द्वारा काम किया जा रहा है उसके लिए दिया गया फैमिलियर फॉरेस्ट्री को लैंड फॉर द लाइफ अवार्ड, आपको इसको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंडेक्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में टॉप किसने किया है, ये इंडेक्स जितने भी होते हैं वो पूछे जाते हैं और इस इंडेक्स को जारी करने वाला संस्थान के बारे में भी पूछा जाता है। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स को जारी करता है IMD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस और ये लॉजेन स्विट्जरलैंड में, ये IMD जो है लॉजेन स्विट्जरलैंड में है, लॉजेन स्विट्जरलैंड, ठीक है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में ये है, ठीक है, IMD। अच्छा बात करते हैं कि इस बार जो टॉप किया है वो स्विट्जरलैंड ने इसको टॉप किया है, इस बार जो टॉप किया है उसको स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, ठीक है, स्वीडन को दूसरा स्थान मिला है, स्वीडन को दूसरा स्थान, तो वही डेनमार्क को थर्ड स्थान मिला है, हमारे प्यारे भारत को कितना स्थान मिला है, कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को 43वां स्थान मिला है इस बार 2021 में, और 2020 में भी भारत 43वें स्थान पर ही था वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। अगर बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड का कैपिटल कहां कौन है, स्विट्जरलैंड का कैपिटल कहां है, तो बर्न, ठीक है, स्विट्जरलैंड का कैपिटल बर्न है और इसका जो करेंसी है वो है फ्रैंक, आपको इसे याद रखना है, फ्रैंक, ठीक है। स्वीडन के बारे में बात करें तो स्वीडन का जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम, ठीक है, स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम और इसकी करेंसी है क्रोना, इसकी करेंसी है क्रोना, ठीक है, इसकी करेंसी है क्रोना और इसका कैपिटल है स्टॉकहोम। तो वही डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन, ठीक है, आपको इसे 2 या 3 बार बोलना है, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इसलिए आपको ये करना ही करना है। तो डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन और यहाँ का करेंसी है क्रोन, ठीक है, डेनमार्क का करेंसी है क्रोन और स्वीडन का करेंसी क्या है, स्वीडन का करेंसी था क्रोना और यहाँ का कैपिटल क्या था, स्टॉकहोम। और इंडिया के बारे में तो हम लोग जानते ही है हमारे प्यारे भारत के बारे में। अच्छा बात करते हैं कि ये IMD, ठीक है, IMD का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था जनवरी 1990 में और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट है डोमिनिक टर्पिन, इसके अभी प्रेसिडेंट है IMD के। इसके द्वारा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, ये आपको याद रखना है, इस बार टॉप किया स्विट्जरलैंड ने, दूसरा स्थान पर स्वीडन, तीसरा स्थान पर डेनमार्क और हमारे भारत को मिला है, इंडिया को मिला है 43वां स्थान जो कि 2020 में भी 43वां था, तो इस बोल सकते हैं ये अपने स्थान को मेंटेन करके रखा हुआ। चलिए अब बात करते हैं कि इंडस इजी क्रेडिट, ठीक है, इंडस इजी क्रेडिट जो कि एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इंडस इजी क्रेडिट, तो ये जो है किस बैंक के द्वारा अभी अभी लॉन्च किया गया है, इंडस इजी क्रेडिट, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है अभी इंडस इंड बैंक के द्वारा इंडस इजी क्रेडिट जो कि एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा इंडसइंड बैंक के द्वारा इसको अभी लॉन्च किया गया। अच्छा इस क्रेडिट से क्या होगा, इस ये जो योजना है, ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसके द्वारा जो इंडसइंड बैंक के कस्टमर्स हैं उसको आराम से जो अपने घर के जो घर परिवार में जो वित्तीय आवश्यकता है, जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में ये इंडस इजी क्रेडिट उसको पूरा करने में उन्हें उनके कस्टमर्स को सक्षम बनाएगा, ठीक है, घर उसको सक्षम बनाएगा। अब बात करते हैं कि ये इंडसइंड बैंक
इंडसइंड बैंक के अभी सीईओ कौन है, इंडसइंड बैंक के अभी सीईओ हैं सुमंत कथपालिया, ठीक है, सुमंत कथपालिया, ठीक है, सीईओ अभी सुमंत कथपालिया है। और अगर इसके फाउंडर के बारे में बात करें, इसके फाउंडर कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे, तो एसपी हिंदुजा, एसपी हिंदुजा, ठीक है, एसपी हिंदुजा। तो वही बात करते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है इंडसइंड बैंक का। ये पूछा जाता है बैंकों के हेडक्वार्टर के बारे में, तो मुंबई, ठीक है, मुंबई है, तो इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। इसके अभी सीईओ सुमंत कथपालिया है। 1994 में इसका स्थापना हुआ था और इंडस इजी क्रेडिट को लॉन्च करने वाला बैंक इंडसइंड बैंक है, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड CSFL को किस बैंक के अधिग्रहण की मंजूरी आरबीआई द्वारा प्रदान कर दी गई है। आरबीआई ने CSFL को कह दिया है कि आप किस बैंक का अधिग्रहण अब कर सकते हैं। तो पीएमसी, जो कि पीएमसी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, इसको सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया जाएगा और इस प्रक्रिया में 120 दिनों का संचालन करने में 120 दिनों का समय लगेगा, ठीक है। तो आरबीआई ने इसकी मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है कि यूएनजीसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा एसडीजी पायनियर्स के रूप में, ठीक है, एसडीजी पायनियर्स के रूप में किस रूप में मान्यता किन्हें दिया गया है। तो देखिए, ये जो सुमंत सिन्हा है, तो इंडिया का एक कंपनी है रिन्यू पावर, ठीक है, एनर्जी के क्षेत्र में, ठीक है, एक सस्ता और स्वच्छ एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत ही उभरता हुआ कंपनी रिन्यू पावर। और इसके सीएमडी हैं अभी कौन, सुमंत सिन्हा, और इनको यूएनजीसी द्वारा एसडीजी पायनियर्स के रूप में मान्यता दी गई है। ये एसडीजी पायनियर्स क्या होता है, तो एसडीजी पायनियर्स जो होते हैं वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है ना, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सेट किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को आगे बढ़ाने के लिए एक उत्कृष्ट अपने क्षेत्र में एक उत्कृष्ट काम करना, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए यूएनजीसी द्वारा एसडीजी पायनियर्स के रूप में हर साल एक नेता को चुना जाता है और इस बार चुना गया सुमंत सिन्हा। और ये क्यों चीज दिया गया है, तो हम बताए थे कि स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच को आगे बढ़ाने के लिए जो क्षेत्र में काम किया गया है सुमंत सिन्हा के द्वारा, उसके कारण इन्हें इस बार एसडीजी पायनियर्स के रूप में मान्यता दिया गया है। वही बात करते हैं तिलोत्तमा सोम की। तो देखिए, इस बार जो यूके एशिया फिल्म फेस्टिवल 2021 था, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021, इसमें तिलोत्तमा सोम को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया था। तो वही डेविड डियोक को मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जो है, डेविड डियोक को मिला था इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1,00,000 कोविड वॉरियर्स, देखिए जो कोविड वॉरियर्स होते हैं, कोविड के महामारी के दौरान जो लोग हमारे सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं उन्हें कोविड वॉरियर्स कहा जाता है। डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, और भी कई लोग नर्सेज हैं, ठीक है, वार्ड बॉय हैं, तो ये कोविड वॉरियर्स कहलाते हैं। जो कोविड महामारी के दौरान हमारे सेवा में सदैव तत्पर रह रहे हैं उन्हें कोविड वॉरियर्स कहा जाता है, जो मोदी के द्वारा कहा गया है। 1,00,000 कोविड वॉरियर्स को प्रशिक्षित करने के लिए क्रैश कोर्स की शुरुआत किनके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 1,00,000 कोविड वॉरियर्स को कहा गया है कि इन्हें प्रशिक्षित किया जाए और ये प्रशिक्षण 2 से 3 महीना चलेगा। और इस प्रशिक्षण के लिए 26 राज्य में 111 ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, ठीक है, 111 ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे इस प्रशिक्षण को देने के लिए। 111 ट्रेनिंग सेंटर 26 राज्य में खोले जाएंगे 1,00,000 कोविड वॉरियर्स को प्रशिक्षित करने के लिए और ये क्रैश कोर्स शुरुआत किया जाएगा। अच्छा, इस कोर्स में, इस ट्रेनिंग में क्या किया जाएगा, इस ट्रेनिंग में 6 तरह के इंपॉर्टेंट बातें प्रशिक्षित किया जाएगा, जैसे कि होम केयर सपोर्ट, होम
केयर सपोर्ट, ठीक है, बेसिक केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, वहीं पर इमरजेंसी केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, ठीक है, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट। तो ये छह तरह की, जैसे कि होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट, ठीक है, ये सब कोर्स जो है ये सब इसको इसका ट्रेनिंग दिया जाएगा 1,00,000 कोविड वॉरियर्स को, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम है, शिवराज सिंह चौहान एमपी के सीएम है, अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम है। चलिए आगे बात करते हैं कि केनेथ कोंडा, जिनका निधन हाल ही में हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो केनेथ कोंडा जो थे वो जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ कोंडा, जिनका निधन हो गया, वो उसका नाम क्या था, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति जिनका निधन हो गया उनका नाम क्या था, केनेथ कोंडा, या फिर पूछ लिया जाएगा केनेथ कोंडा किस देश के राष्ट्रपति, तो आपको बताना है जाम्बिया के, ठीक है। अगर बात करते हैं जाम्बिया की, तो जाम्बिया का कैपिटल कहां है, जाम्बिया का कैपिटल है लुसाका, जाम्बिया का कैपिटल है लुसाका, और यहां की करेंसी चलती है क्वाचा, क्वाचा, ठीक है, जाम्बिया का कैपिटल है लुसाका और यहां की करेंसी है क्वाचा, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। और अभी अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हमारे देश का, जो कि सबको पता चल गया होगा, फिर भी इसको सबको पता चल ही गया होगा, फिर भी बता देते हैं कि जो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे, फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे मिल्खा सिंह, ठीक है, मिल्खा सिंह, इनका निधन, इनका निधन 91 साल की उम्र में कोविड 19 से लड़ते हुए इनका निधन हो गया। बहुत दुख की बात है, मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया, और 5 दिन पहले, ठीक है, 5 दिन पहले ही इनकी वाइफ का भी निधन हो गया था, जो कि वॉलीबॉल टीम की कैप्टन थी, भारतीय वॉलीबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। तो उनका, उनकी पत्नी का भी निधन हो चुका था, और अब 5 दिन बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का भी निधन हो गया, जो कि बहुत ही दुखद बात है दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको किसी भी तरह का कोर्सेज को करना है, किसी भी टाइप के का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताएं, उस टाइप का हम लोग कोर्स लॉन्च करेंगे अपने चैनल पर। और एक बहुत ही एक्साइटिंग कोर्स 100 डेज टारगेट बैच आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर लॉन्च किया गया है, जिसका की शुरुआत 25 जून 2021 से किया जाएगा। 100 दिन का डेडिकेटेड टारगेट बैच चलेगा, जिसमें जीके जीएस रीजनिंग मैथ का आपको कोर्स कराया जाएगा, 20,000 प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट उसमें कराया जाएगा। तो अगर आप उस पूरे कोर्स के दौरान सिंसियरली अगर उसको पढ़ते हैं, तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। आपको 100 डेज टारगेट बैच को ज्वाइन करना चाहिए, आपको उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहीं से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है, टेस्ट भी होगा उसके अकॉर्डिंग, तो आप हमें वहां से पढ़ाई करते रहें। और एनटीपीसी CBT2 होने वाला है, ग्रुप भी होने वाला है, SSC GD है, तो उन सारे एग्जाम्स को कवर करने के लिए हम लोग जो जीएस का एक कलेक्शन लेकर आएंगे, जीएस का कलेक्शन लेकर आएंगे, वो जीएस का कलेक्शन SSC CGL हो, UPSI हो, या फिर जितने भी वन डे एग्जामिनेशन है, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और वहां से क्वेश्चन आगे जा ही नहीं सकता है। उस 20,000 प्लस क्वेश्चन में हम लोग इतने फैक्ट्स को और इतने फैक्ट्स को भी बताएंगे कि कहीं से क्वेश्चन आगे जा नहीं सकता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, इस चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च किया जाने वाला है, लॉन्च किया जाएगा, और आप हमारे साथ पढ़ते रहें, और इसी आशा के साथ आप हमें सपोर्ट करते रहें। हम मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद, जय।